तो सुपर हीरोज को जोड़ने पे एक बहुत ऑसम टीम बनती है एंड आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 10 सबसे ऑसम टीम्स की बात करेंगे। तो हम इस वीडियो को रखेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू के बेस पे। यहाँ पे हम उन सब टीम्स की बात तो करेंगे जो मेन टीम है लाइक अवेंजर्स, लेकिन रैंडमली टीम्स की भी बात करेंगे। रैंडमली टीम से मेरा मतलब है जो हमने अलग सिनेरियोस में देखी। कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर में हमने अलग टीम अप देखे, तो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में अलग, और आज के इस वीडियो में हम उन सब की बात करेंगे। तो फटाफट से इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बता दूं कि ये मेरी पर्सनल लिस्ट है और आपकी पर्सनल लिस्ट क्या है वो हमें कमेंट में बताना। तो अब बिना किसी देरी के इस लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 10 एटर्नल्स। एटर्नल्स को हमने एटर्नल्स मूवी में देखा, जिनको सेलेस्टियल्स ने बनाया एमर्जेंस प्रोसेस के लिए। एटर्नल्स एक इमॉर्टल रेस है एंड 10 सुपर हीरो की एक बहुत बड़ी टीम है। एटर्नल्स के हर एक मेंबर के पास उनकी अपनी डिफरेंट एबिलिटी है। तो अगर अपन लोग इकारिस की बात करते हैं तो इकारिस एक्चुअली में सुपरमैन की तरह है। उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी सब कुछ एंड इवन उसके लेजर्स भी, ये सब कुछ दिखने में सुपरमैन की तरह लगती है। नेक्स्ट मेंबर है किंगो। किंगो अपनी पावर से कॉस्मिक एनर्जी को प्रोजेक्ट कर सकता है। जहाँ पे मकारी के पास सुपर स्पीड है, वहीं पे फास्टोस के पास उसका तेज दिमाग है एंड टेक्नोलॉजी मैनिपुलेशन में वो माहिर है। इस टीम में अजैक है जो कि इस टीम की लीडर है, जिसकी मेन एबिलिटी है हीलिंग। इस टीम में स्प्राइट है जिसकी मेन एबिलिटी है इल्यूजन्स को क्रिएट करना। तो वहीं पे गिलगामिश है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसके बाद अगर थीना की बात करते हैं तो वो एक बहुत कमाल की वॉरियर है एंड अपनी कॉस्मिक पावर की वजह से डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स को जनरेट कर सकती है। अगर हम ड्यूक की बात करते हैं तो वो माइंड मैनिपुलेशन में माहिर है एंड सर्सी मेटल मैनिपुलेशन में। अब बात करते हैं नंबर 9 की, टीम आयरन मैन। टीम आयरन मैन एक ऐसी टीम थी जो कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर में फॉर्म्ड हुई थी कैप को रोकने के लिए, जिसके मेंबर थे ब्लैक पैंथर, आयरन मैन, ब्लैक विडो, विजन, स्पाइडरमैन एंड वॉर मशीन। यहाँ पे आयरन मैन एंड वॉर मशीन जैसे बंदे कमाल के आर्मर्स को होल्ड करते हैं एंड डिफरेंट वेपन्स का एक्सेस कर सकते हैं। विजन एक कमाल का रोबोट है जिसके पास माइंड स्टोन है। ब्लैक विडो कमाल की फाइटर है एंड ब्लैक पैंथर की वाइब्रेनियम टेक्नोलॉजी उसके साथ है एंड स्पाइडी के बारे में तो हर कोई जानता है। नंबर 8 टीम कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका आयरन मैन एंड गवर्नमेंट के खिलाफ था, इसलिए उसने एक अपनी टीम क्रिएट की, जिसकी टीम का पहला मेंबर खुद कैप्टन अमेरिका ही था। कैप्टन अमेरिका की शील्ड एंड फाइटिंग एक्सपीरियंस के आगे सब फेल हैं। उसका बेस्ट फ्रेंड बकी था जिसके पास भी कमाल का एक्सपीरियंस एंड फाइटिंग स्किल्स है। हॉकआई जो कि कमाल के एरोस चला सकता है, एंटमैन जो अपने साइज को बड़ा कर सकता है, फैल्कन जो उड़ सकता है एंड वांडा के बारे में हर कोई जानता है। और वैसे भी इन दोनों टीम की फाइट एकदम ऑसम थी, चाहे बात हो एयरपोर्ट फाइट सीन की या बात हो कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन फाइट की। नंबर 7 टीम थॉर। टीम थॉर में ऑफिशियली 4 मेंबर थे, थॉर, वेलकरी, लॉकी एंड हल्क। हालांकि बाकी एस्कार्डियंस भी थॉर के साथ थे, लेकिन हम इन चारों को ही कंसीडर करेंगे। सबसे पहले तो थॉर खुद जो कि गॉड ऑफ थंडर है, उसने अपनी पावर की हेल्प से हेला की बहुत सी आर्मी को अकेले बीट कर दिया। इसके बाद वेलकरी जो कि कमाल की वॉरियर है एंड थॉर से भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इसके बाद लॉकी है जो कि इल्यूजन कास्ट में एक्सपर्ट है। हल्क की बात करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ के आगे सब फेल है एंड नो डाउट कि ये टीम इतनी पोजीशन डिजर्व करती है मेरे अकॉर्डिंग। हालांकि टीम कैप वर्सेस टीम थॉर वर्सेस टीम आयरन मैन का कंपैरिजन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन से देख लेना। नंबर 6 टाइटन टीम। तो टाइटन ग्रह में हमने अपने सुपर हीरोज की एक अलग टीम देखी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, जहाँ पे हमने आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड गार्डियंस का अलग कॉम्बिनेशन देखा। इन्फिनिटी वॉर मशहूर ही इसीलिए है अपने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड फ्लेवर्स के लिए। इस टीम में था आयरन मैन एंड देन सोर्स ऑफ सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने डायमंड कंटेंट एंड मिस्टिकल आर्ट्स एबिलिटी से थैनोस की भी बैंड बजा के रख दी थी। मैंटिस जो किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। पीटर विल जिसके पास एलिमेंट ब्लास्टर्स एंड और भी एबिलिटीज है। ड्रैक्स जो कि स्ट्रेंथ के लिए मशहूर है एंड स्पाइडी। इसके अलावा हमने नेबुला का यहाँ पे देखा जो कि थैनोस की बेटी है एंड जिसकी फाइटिंग स्किल्स भी नेक्स्ट लेवल है। हाँ, नो डाउट ये टीम एक बेस्ट टीम थी। नंबर 5 वकांडा टीम। अब मुझे नहीं पता कि मैं इस टीम को क्या नाम दूं, लेकिन ये टीम बहुत ऑसम थी। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की वो वकांडा टीम की, जहाँ पे हमने कैप्टन अमेरिका एंड ब्लैक पैंथर जैसे कॉम्बिनेशन देखे। इसके साथ साथ थॉर, रॉकेट एंड ग्रूट की एंट्री भी कमाल की थी, जहाँ पे थॉर ने भी इस टीम को ज्वाइन किया। स्कारलेट विजन, विजन जैसे मेंबर भी इस टीम में थे, हालांकि विजन का कोई काम नहीं था। थैनोस को रोकने के लिए ये सब मेंबर एकजुट होकर खड़े थे एंड उन्होंने थैनोस को रोकने की कोशिश भी की। इस टीम में वकांडियन सेना थी एंड ब्लैक पैंथर था, यानी ओवरऑल ये टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अगर आयरन मैन एंड बाकी एवेंजर्स भी इस टाइम यहाँ पे होते तो थैनोस को इसी मूवी में रोका जा सकता। नंबर 4 एलुमिनाटी।
डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अर्थ 838 में हमने एक न्यू टीम देखी जो कि थी एलुमिनाटी। इस टीम में सबसे पहले मेंबर थे प्रोफेसर जेवियर एक्स जो कि बहुत पावरफुल टेलीपैथ है एंड मूवी में उनके जेल में हमने देखे। इसके बाद है कैप्टन मार्वल जो अर्थ 838 के कैप्टन मार्वल है एंड अपनी कैप्टन मार्वल की तरह एनर्जी प्रोजेक्शन रखती है। कैप्टन कार्टर जिसके पास कैप की तरह फिजिकल स्ट्रेंथ है एंड उसकी तरह शील्ड है जिसे वो बहुत अच्छी तरह यूज करना भी जानती है। इस टीम में मॉडो है जो कि सॉर्सरर सुप्रीम बन गया था डॉक्टर स्ट्रेंज की डेथ के बाद। इसके बाद इस टीम में है ब्लैक बोल्ट जो कि इनह्यूमन का किंग है एंड अपनी स्क्रीम से जो प्लैनेट्स को उड़ा सकता है। हालांकि इस टीम में डॉक्टर स्ट्रेंज भी थे जिनको खुद ही मारना पड़ा क्योंकि उन्होंने डार्क होल का यूज किया था जिससे एक अलग यूनिवर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ा। इस टीम के लास्ट मेंबर है रीड रिचर्ड जो कि बहुत बड़े जीनियस है एंड इस टीम के लीडर है। इनकी मेन एबिलिटी है इलास्टिसिटी, मतलब ये इलास्टिक पावर्स को यूज कर सकते हैं एंड टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट करना कोई इनसे सीखे। नंबर 3 गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो 2014 में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी आने वाली थी। किसी को नहीं पता था कि इस मूवी में ये क्या करने वाले हैं क्योंकि एलियन स्पीसीज वाले अलग ग्रह के लोगों को दिखाना वो भी पहली बार एमसीयू में थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन जेम्स गन ने इसे एकदम परफेक्टली बना दिया अपनी इस मूवी के साथ। पीटर क्विल जो कि इस टीम का लीडर है जिसके पास एलिमेंट ब्लास्टर नाम का कमाल का वेपन है एंड उसकी कमाल की स्पेसशिप है। अगर हम रॉकेट की बात करते हैं तो रॉकेट के पास कमाल के वेपन्स है जिन्हें वो यूज करना जानता है क्योंकि टेक्नोलॉजी में उससे बड़ा इस टीम में कोई नहीं। इस टीम में गमोरा जो कि थैनोस की बेटी है एंड ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल फीमेल है। इस टीम में ड्रैक्स है जिसे सिर्फ फाड़ना आता है, लेकिन वो बात अलग है कि बहुत बार ये खुद ही फट जाता है। इस टीम में मैंटिस भी है जो किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकती है, हालांकि इसके असर ईगो के ऊपर भी हुआ था। अगर हम बात करते नेबुला की तो वो भी थैनोस की बेटी है एंड कमाल की वॉरियर है। नंबर 2 टीम स्पाइडीज। अब मुझे आपका तो नहीं पता लेकिन मुझे ये टीम बहुत ज्यादा पसंद आई। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ नो वे होम की एंड्रू गारफील्ड, टोबी मैग्वायर एंड टॉम हॉलैंड की टीम की। इतने सालों बाद दो स्पाइडीज को देखना कोई सपने से कम नहीं। इस मूवी में हमें 5 सुपर विलन देखने को मिले एंड अपने 3 मेन स्पाइडरमैन उन 5 से लड़ रहे थे। हालांकि 3 सुपर हीरो की कोई टीम नहीं बन सकती, इनकी ट्रिनिटी ज्यादा सूट करती है, लेकिन मैंने इस लिस्ट में इसलिए ऐड किया क्योंकि यार ये 3 स्पाइडरमैन हमारे इमोशंस ही हैं। हालांकि अगर मैं मार्वल ट्रिनिटी की बात करूं लाइक थॉर, कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन तो मैं उन्हें भी ऐड कर सकता था, लेकिन मैंने उन्हें नहीं किया लेकिन इन्हें किया क्योंकि ये इमोशंस हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 नन अदर देन द अवेंजर्स। अवेंजर्स की टीम हमेशा से सबसे बेस्ट रही है, चाहे बात हो मेन 6 अवेंजर्स की या अवेंजर्स एंड गेम में दिखे ये सब अवेंजर्स की। हम लोगों को ये बात साफ पता है कि कोई भी लिस्ट हो तो उसमें सबसे पहले जो टीम का नाम आता है वो अवेंजर्स का ही आता है। हम सब मार्वल फैंस को अवेंजर्स से कितना ज़्यादा लगाव है ये बताने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपनी फर्स्ट एमसीयू मूवी अवेंजर्स ही देखी है एंड मैंने अपनी फर्स्ट कॉमिक भी अवेंजर्स की पढ़ी है, तो यस इसीलिए अवेंजर्स इज द बेस्ट। हालांकि मैं फिर से कहूंगा कि जो भी नाम मैंने इस वीडियो में लिए इन टीम्स के वो मेरे पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड थे। आपका क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। बाकी आज का वीडियो यहीं तक था जहाँ पे हमने टॉप 10 टीम्स की बात की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। हमसे कुछ भी डिटेल मिस होगी है तो कमेंट में जरूर बताना एंड वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में बेझिझक पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।